मेमोरी शार्प और स्ट्रॉन्ग मेमोरी के लिए सब कोई तरस रही है। सब कोई चाहता है कि मेरा मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मैं बहुत कम समय में ज़्यादा बात और ज़्यादा पढ़ाई याद कर सकूं। स्टूडेंट का बात करें, बच्चे का बात करें, के पेरेंट्स की बात करें, सब कोई इस बात में बहुत परेशान है कि क्यों मैंने ज़्यादा वक्त तक पढ़ाई तो करती हूँ लेकिन याद बहुत कम रहता है। इस सारी चीज़ें हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं। आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए इस बारे में जानने के लिए। एक बहुत अच्छी बात आज हम इस वीडियो में आपको बताऊंगी को आपकी मेमोरी को शार्प, स्ट्रॉन्ग और आपको इंटेलिजेंट बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। चलो दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू ए न्यू फैमिली। होप आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सारे लोग अच्छे कर रहे होंगे, बस स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एक वेव्स के बारे में जो कि हमारे ब्रेन की ओसिलेशन फ्रिक्वेंसी रेंज से जुड़ी हुई है, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल टर्म है, जो कि हमारी न्यूरोसाइंस जो स्नायु है, जो स्नायविक साइंस है हमारी, उस तरह से वो जुड़ी हुई है जो कि अल्फा वेव्स से। अल्फा वेव्स क्या है उस बारे में हम जानेंगे कि अल्फा वेव्स कैसे हमारी मेमोरी को स्ट्रांग करता है, ये हम कैसे अल्फा वेव को स्ट्रांग बनाए, कैसे इसको शुरू करें, ये कैसे हमारे दिमाग का जो यादों का जो तरीका होता है जिससे कि हम मेमोराइज कर पाएँ सारे चीज़ों को, जैसे कि पढ़ाई हो और भी कोई बातें हो, तो हम कैसे कर पाएँ, ये कैसे हमको हेल्प करता है, इस बारे में आज हम जानेंगे। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो है एक सर्किट की तरह, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्निफिकेशन की तरह ये भी खींचता है चीज़ों की। जैसे कि हम सब लोग को जानते हैं कि हमको कोई मच्छर अगर हमको काट दे तो हमारे हाथ अपने ही आप से उस जगह तक आ जाएंगे उस मच्छर को हटाने के लिए। क्यों हम क्या आपने हाथों को वो ऑर्डर दी कि तुम हाथ तुम जाओ उसको काटो? नहीं ना, वो ब्रेन ही अपने आप करते हैं वो चीज़ें। कैसे करते हैं वो ही है, वो जो प्रोसेस है उसको बोले जाते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि है एंसोफेलोजियोग्राफी, जो कि EEG है। वो हम कैसे जानेंगे कि हमारे जो अल्फा वेव है वो कितना हर्ट्ज में रहते हैं, 8 to 12 हर्ट्ज, जैसे कि हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो हीमोग्लोबिन के रेंजेस होता है, काउंट होते वो इतने कम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 12, कम से कम 12 से शुरू होना चाहिए। उससे कम हो गया तो 8, 9, 7 हो गया तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ह्यूमन बॉडी का जो हीमोग्लोबिन का रेंज है वो 12 तक होना ही चाहिए, वो जो कि मिनिमम काउंट है ब्लड में हीमोग्लोबिन का रेंजेस जो होता है, काउंट जो होता है। इसीलिए जो अल्फा वेव होता है वो क्या होता है, ब्रेन में वो कैसे काम करता है, वो हम अल्फा वेव को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि वो अल्फा वेव जितना तेज होगा हमारे मेमोरी पावर उतना स्ट्रांग होगा, हम उतना ही शार्प होंगे, हम उतना ही जल्द सारी चीज़ों को याद कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं अल्फा वेव होता है क्या। अल्फा वेव एक न्यूरोलॉजिकल टर्म है, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसको जर्मन का एक न्यूरोलॉजिस्ट हांस बर्गर ने डिस्कवर किया था। उन्होंने इस बारे में बहुत सारी स्टडी किया है, बहुत सारी रिसर्च की है। ये अल्फा वेव जो है ये एक ही वेव नहीं है हमारी ब्रेन के अंदर, वो हमारे जो मस्तिष्क है बहुत सारी सर्किट है, बहुत सारी स्पेस है, छोटे छोटे वाले जो घर होते हैं ना, हम जो बोलते हैं छोटे छोटे वाले स्पेस होते हैं, वो वहाँ पर छोटे छोटे वाले स्पेस है। जैसा कि हम बात करेंगे डोपामाइन है। डोपामाइन क्या है, जो चीज़ हम करने से बहुत अच्छा लगता है, खुशी वो मिलती है हमको, वो एक लिक्विड होता है, वो फ्लो करती है। जितने सच पता है कि हमको चॉकलेट खाना में अच्छा लगता है, कोई बच्चे को आइसक्रीम खाने में अच्छा लगता है, किसको फिल्म देखने में मज़ा आते हैं, किसको डांस में, किसको किसका हॉबी है जिसको पेंटिंग करने में बहुत खुशी मिलती है, वो सारे चीज़ें जो तरह के हम करते हैं ना, वो डोपामाइन जो चीज़ होता है, जो लिक्विड चीज़ होता है, वो निकलती है वहाँ से, हमारे ब्रेन से
वो हमको खुशी मिलती है। हम जब बंद कर देते हैं हमारे वो काम को, जब हम शुरू किया हो बहुत अच्छा लगता है, जो स्टॉप कर देते वो स्टॉप हो जाएगा डोपामाइन। इसी तरह से ब्रेन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होता है, क्या क्या चीज़ में होता है वो बहुत साइंटिफिकली प्रोसेस होता है। हमारे जो वेव के बारे में हम बात करेंगे, जो कि 5 तरीका की वेव है हमारी ब्रेन में। एक तो है डेल्टा वेव, दूसरा है थीटा, तीसरा है अल्फा, देन चौथा है मू वेव, देन SMR एंड बेटा इज द सेम, देन गामा वेव। तो हम बात करेंगे अल्फा, जो कि थीटा एंड मू वेव के बीच में होता है, जो कि अल्फा वेव है। ये हमारी मेमोरी से जुड़ी हुई है। ये जो अल्फा वेव है हमारी मेमोरी से जुड़ी हुई है। कैसे हमारी मेमोरी से जुड़ी हुई? ये जो अल्फा वेव का जो सर्किट है, जो घर है, जो स्पेस है हमारे ब्रेन में, ये हम कैसे याद करें, किसका ब्रेन कितना शार्प है, कितने समय में कौन से बच्चे कितना जो पढ़ाई हो या जो भी हो, जो कैसे कितने कम समय में याद करते हैं या ज़्यादा वक्त लेते हैं, वो अल्फा वेव के डिपेंड करते हैं, उसका रेंज के, वो उसका हर्ट्ज के ऊपर, जो कितना अल्फा वेव का फ्रीक्वेंसी होता है, उसका रेंज कितना फ्रीक्वेंसी होता है, वो उसमें डिपेंड करता है कि हम कितना कितने कम समय में कितने चीज़ याद कर पा रहे हैं। जैसे कि एक बच्चे को आप पढ़ने के लिए एक नोटबुक दे दो, वो एक महीने लगा देंगे उसको कंप्लीट करने में, पूरा वही पूरा जो नोटबुक है उसको याद करने में, या उसका थीम जो है, उसका जो प्रीसिस है उसको याद करने में। लेकिन वही बुक को अगर आप दूसरे बच्चे को देते हो जिसका अल्फा वेव बहुत अच्छा होता है, वो जब फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो एक या दो दिन में उस नोटबुक को कंप्लीट कर देगा। वही तो डिफरेंस है, जो हम इसे बोल देते हैं कि आम आदमी के भाषा में उसका बहुत मेमोरी स्ट्रांग नहीं है, वो अच्छा नहीं कर पा रही है, वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, वो चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे जो बात होते हैं। इसीलिए इस बारे में जो हमारे तरीक़ा से जो हम जो डॉक्टर नहीं हैं, हम काउंसलर नहीं हैं, इस बारे में हम पढ़ाई नहीं कर रहे, तो हम कैसे जानेंगे। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई कि आप सारे लोगों को इस बारे में पता चले कि ऐसा होता है। इसीलिए बच्चे कमज़ोर होता है कोई कोई बच्चे, और कोई कोई बच्चे ज़्यादा शार्प मेमोरी का होता है, कोई वो चीज़ को ज़्यादा आसानी से याद कर लेते हैं। इसलिए इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, इसमें वो जो मेमोरी सर्किट होता है, जो अल्फा वेव्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, उसका काम करने के प्रोसेस तरीका से वो डिपेंड करता है कि बच्चे कितना जल्दी या कितना देर से वो चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो हम गाली गुलज करते हैं बच्चे को, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, खेल कूद रहे हो, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो। क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे? हम वो बातें नहीं करते, हम वो रूट तक नहीं जाते, वो प्रॉब्लम क्या है, कौन सी जड़े से वो कौन से रूट में शुरू हुआ है। जैसे कि हमको बुखार हुआ है, कैसे बुखार हुआ है हम जाने तो फिर हम मेडिसिन खाएं ना, लेकिन बुखार हमको बहुत तरीक़ा से होता है। जैसे कि सर्दी से बुखार हो जाते हैं, कोई बॉडी से और दूसरे प्रॉब्लम हो तो भी बुखार हो सकती है, और क्या बुखार हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इनबैलेंसेस होता है हमारे फिगर में, तो फिजिकली इनबैलेंसेस होता है तो भी बुखार आ जाती है। तो हम वो चीज़ों को जाने, कोई भी बुखार होते हैं कि मलेरिया हो या और कोई डिजीजेस हो तो भी बुखार होता है, टीबी हो तो भी बुखार होता है, तो हम इसे जानना चाहेंगे कि वो रीजन क्या है। इसीलिए हम बच्चे को गाली गुलज मत देकर इस चीज़ों को जानें कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, तो फिर हम उनका सल्यूशन कर पाएँ। तो ये जो अल्फा वेव है इसका एक बहुत बड़ा सल्यूशन है कि मेडिटेशन। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, वो जो जर्मन का न्यूरोलॉजिस्ट है हांस बर्गर, उन्होंने बहुत वर्षों तक इस अल्फा वेव के ऊपर रिसर्च की, उन्होंने बहुत गवेषणा की उसके ऊपर कि हम जो अल्फा वेव है उनका फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना बढ़ा सकते हैं, कितना तेज़ कर सकते, क्योंकि हमारे अल्फा वेव के रेंज से हमारे मेमोरी पावर की तरक्की जो है वो डिपेंड करता है। इसीलिए जो एक ही चीज़ है वो है मेडिटेशन, जो कि हम अगर बच्चे जब 3 साल होते हैं उसके बाद ये मेडिटेशन शुरू कर दें, तो वो बच्चे 10-12 साल होकर इतना साफ मेमोरी के हो जाएंगे, आप ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसे ही एक बालिका बहुत सारे हैं, जैसे कि हम बात करें कौटिल्य के, बात करें कौटिल्य के मेमोरी इतना साफ कैसे होता है, जैसे कि गूगल बॉय बोला जाता है, जिसको सारे
प्रश्नों का उत्तर मालूम है, जिसको सारे चीज़ों मालूम है। वो कैसे? क्योंकि वो बच्चे का अल्फा वेव जो है वो रेंजेस बहुत अच्छे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे होता है कि एक एक दो बच्चे वो एक्सेप्शनल केस है, वो कि गॉड गिफ्टेड है, जिसका जन्म से ही वो मेमोरी शार्प है। लेकिन हम हमारे बच्चे का मेमोरी भी शार्प कर सकते हैं, इस जो हम ये मेडिटेशन के दौरान हम कर सकते हैं। कैसे? वो एक प्रोसेस है, ऐसे ही नहीं हो जाएगी कि आप जब चाहो मेडिटेशन कर लो जो बच्चे के अल्फा वेव शार्प हो जाएंगे। इसमें बहुत तरीका होता है, बहुत प्रोसेस होता है, एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। ऐसे नहीं हो जाता है कि हम मेडिटेशन कर ले या योगा कर ले वो हो जाएंगे, खुल जाएंगे अल्फा वेव का जो रेंजेस, नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारी स्पेशलाइज ट्रेनिंग चाहिए, जो कि हमारे इस चैनल में मैं अभी एक एक कर वीडियो अपलोड करूँगी, जिसके बारे में मैं अल्फा वेव्स को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी को, वो जो न्यूरल ओसिलेशन होता है जो फ्रीक्वेंसी ब्रेन में होता है, वो हम कैसे तेज़ कर सकते हैं, जिसको बच्चे जिसने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, जिसको छोटे बच्चे जिसको पढ़ना है, क्योंकि उसको मेमोरी इतना साफ नहीं है, उसे छोटे छोटे चीज़ जैसा एडिशन, टेबल, सब्सट्रैक्शन जो भी है याद करने में बहुत वक्त लग जाते हैं, पढ़ाई में वो कमज़ोर है, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं चीज़ों को, उस बच्चे लोग के लिए बहुत एक जैसे कि एक गॉड का एक आशीर्वाद स्वरूप ये होगा। मैं चाहती हूँ जो भी बच्चे कमज़ोर हुए ये वीडियो उन लोगों का पेरेंट्स या गार्डियंस देखे, वो सारे चीज़ें उन बच्चे के ऊपर अप्लाई करे, उसके बाद आप अपने आप एक महीने के बाद वो रिजल्ट आप ही पाओगे, ज़रूर आपको मिलेगी। क्योंकि ये जो है हमसे कोई भी पैसा वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, किसी के पास भी नहीं जाना है, किसको नहीं पूछना है, आप अपने आप गूगल सर्च करो, देखो, पढ़ो अल्फा वेव्स के बारे में, तो फिर आप इस वीडियो में आओ। देखो एक्चुअली सच्ची में मैं जो बात कर रही हूँ ये सच्ची है, या मैं कोई मनगढ़ंत कहानी बोल रही हूँ, या कोई चीज़ों को मैं ऐसे ही मैनिपुलेट करके बोल रही हूँ आपको कि अल्फा वेव ऐसे है या नहीं। आप तो बहुत पढ़ी लिखी हो जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर हो तो फिर आप गूगल में एक बार अल्फा वेव्स के बारे में सर्च करो, उसका फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे काम करता है, एक्चुअली अल्फा वेव हमारे मेमोरी से जुड़ी है या नहीं है, उस बारे में पढ़ो, तो फिर आप जान जाओगे कि सच्ची में अल्फा वेव्स होता है क्या, ये कितनी चमत्कारी चीज़ों है जो आज हम जान ली। तो ये जो प्रोसेस है, तो हमारी एक ही चीज़ें होते हैं, हम बहुत जल्द उठना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं जो प्रातःकाल में जो ब्रह्म काल होता है 4 बजे से 6 बजे तक, वो ही एक बेस्ट पीरियड होता है, बेस्ट मोमेंट होता है जिसमें बच्चे को हम उठाएं। क्योंकि मेरे ही एक बहन है जो हमारी स्टेट में रहती है उड़ीसा में, वो अपने बच्चे जो कि 3 साल अभी है, 3-4 साल है वो लड़का, उसको रात 4 बजे वो उठाती है नहाना, वो सारे अपने नित्यकर्म ख़त्म करके एटलीस्ट 15 मिनट से 30 मिनट तक वो मेडिटेशन करता है। नो साउंड, कुछ भी साउंड नहीं होता है उसके पास। जैसे कि उसका मामा जो मेरी दीदी है, वो अपने हाथों में कोई भी कंगन नहीं पहनते क्योंकि वो साउंड हो जाएगी, पायल भी नहीं पहनती क्योंकि उनको डिस्टर्ब हो जाएगी उनके मेडिटेशन में। इसीलिए वो हम पेरेंट्स को ही इतना ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे हमारे है, उसका ध्यान हम कैसे रखें वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। इसीलिए आप चीज़ों को जाने, पहचाने, फ़र्क करें सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, उसके बाद ही आप इन चीज़ों को अप्लाई करें। क्योंकि मेडिटेशन करना छोड़ो, अल्फा वेव के बारे में छोड़ दो, वो आपको पता ही नहीं है, लेकिन मेडिटेशन का जो बात है ये तो आपको पता है, सारे लोगों को पता है कि मेडिटेशन का पावर होते हैं क्या। और दूसरे बात, 4 बजे उठना वो ही एक अपने आप ही अंदर एक स्ट्रेंथ लाता है, जो मेंटली आपको हील करता है, जो सोलली आपको हील करता है, फिजिकली आपको हील करता है, डिटॉक्स करता है आपको साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली, सोशली, सारी चीज़ को आपको जो मूवमेंट होता है ना वो नेचुरली एक
रियली में वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है, जो कि सच्ची में हमारी ब्रेन को और शार्पन करता है। और उस पर हम अगर हमारे सारे नित्यकर्म ख़त्म करके मेडिटेशन में बैठे रहें, एटलीस्ट 15 मिनट से 20 मिनट तक रहें, उसमें ज़्यादा हो तो बहुत बहुत अच्छा है। अगर नहीं होता है, एटलीस्ट हमको ये ध्यान में रखना है 15 मिनट 20 मिनट तक हम आँख बंद करके अपने नॉर्मल हम जो आसन में बैठते हैं वो आसन में बैठकर हाथों में हाथ डालकर हमारे एक अदरवर्ल्डली हो जाते हैं, जैसे कि हमको कुछ भी हमारे परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं, हम वहाँ बैठ कर रहें 15 मिनट 16 मिनट 20 मिनट तक। उसके बाद ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू रिपीट करना है। ये अगर आप जीवन भर कर सकते हो तो ये तो एक ब्लेस हो जाएगी आपके लिए, एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप बहुत कुछ सीख जाएंगे उसके अंदर में। लेकिन अगर नहीं हो पा रही है तो एटलीस्ट आप 3-4 महीने तक एटलीस्ट कीजिए इस चीज़ को। 1 महीने के बाद आप जान जाएंगे कि एक्चुअली इसमें सच्ची में कुछ पावर है, कुछ शक्तियाँ है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो आप ज़रूर मुझे बताएंगे 1 महीने के बाद कि सच्ची में ये मुझे नहीं होगा, मेरा कोई काम का नहीं है ये चीज़, आपने फालतू में बकवास की बात करी, बता देंगे। और उसका जो एक्चुअली में प्रोसेस होता है, बारीक जो प्रोसेस होता है, मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में बता दूंगी। इस वक्त हम मेडिटेशन के ऊपर ही ध्यान रखें। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप सोच भी नहीं सकते, बच्चे उसके बाद कर सकते हैं। तो थैंक यू, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई वीडियो। और इसी अल्फ़ा वेव्स के बारे में और जानकारी के लिए मुझे अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके पता करें कि